आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आठ जून है आज, दिन है मंगलवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आप लोग आ पहुंचे हैं आज तक रेडियो के इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर तक, जहां हम बात करते हैं पूरे दिन में घटी खबरों की। कुछ खबर ऐसी भी है जिन पर हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं। मसलन, कोरोना के केसों में भारी गिरावट हुई है, लेकिन कितनी, ये आंकड़ों की नजर से समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि दूसरी लहर पूरी तरह खत्म कब होगी। इसके अलावा सरकार ने जो कहा है कि 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर लिया जाएगा, वो प्लान पूरा कैसे होगा, रोड मैप समझने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में बगावत की जो आग ठंडी पड़ी थी 10 महीने पहले, उसमें चिंगारी फिर से दिखने लगी है। आप ठीक समझे, बात सचिन पायलट की होगी। और आखिर में भारत के लिए फुटबॉल ग्राउंड से अच्छी खबर आई है, सुनिएगा जरूर। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। आज दुनिया भर की कई सरकारी और मीडिया वेबसाइट्स अचानक डाउन हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन, सीएनएन जैसे इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स की वेबसाइट खोलने पर एरर 503 कनेक्शन फेलियर आ रहा था। यूजर ने इस दिक्कत को सोशल मीडिया पर शेयर किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दिक्कत यूएस बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर फास्टली के सर्वर में कुछ समस्या आने के चलते वेबसाइट्स डाउन हुई। राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया। इसमें 25 करोड़ कोविडशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम भी एडवांस में जारी कर दी है। जम्मू और कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन के पास आग लग गई है। ये आग माता वैष्णो देवी बोर्ड के कैश काउंटर के पास लगी है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 2 लोग आंशिक तौर पर जल गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO ने बताया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई ई फाइलिंग वेबसाइट को लेकर यूजर्स से कई शिकायतें मिलने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज इसे लेकर IT कंपनी इन्फोसिस और उसके को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को टैग किया। सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन्फोसिस और नीलेकणी टैक्स पेयर्स को दी जा रही सर्विसेज की क्वालिटी को गिरने नहीं देंगे। आगरा के पारस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। इसी हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच हो रही है। PNB स्कैम मामले में आरोपी मेहुल चोकसी की डोमिनिका की हाईकोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि वह एक एंटीगुआ का नागरिक है, उसे जबरन धोखा देकर डोमिनिका लाया गया है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने आज दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1.5 घंटे चली इस बैठक में मराठा आरक्षण, OBC राजनीतिक आरक्षण, ताउते चक्रवात, मेट्रो शेड, GST कलेक्शन और मराठी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने जैसे मुद्दों पर बात हुई। बंगाल BJP विधायक शुभेंदु अधिकारी आज से अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, जिसमें बंगाल चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा पर चर्चा की गई। और वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, लेकिन जुलाई के बाद से जो भत्ता बनेगा वो दिया जाएगा, पिछले महीनों का एरियर जोड़कर नहीं मिलेगा। बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में 1.5 सालों तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। कोरोना के केस कम होने लगे हैं। 2 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि डेली केस 1 लाख से नीचे दर्ज हुए हैं। देश के आधे से ज्यादा जिलों में बीमारी के फैलने की गति में भी काफी गिरावट देखी गई। ये जो मैं बता रहा हूँ सब सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़े हैं। हमारी इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कोविड केसेज में इस तेज गिरावट को स्टडी किया है। दीपू राय ने स्टोरी की है और उन्होंने इसे ड्रामेटिक चेंज करार दिया है। हमने उन्हीं से बात की और पूछा कि ये ड्रामेटिक चेंज कैसे है। देखिए, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका एक वीकली डेटा रिलीज हुआ है और वो 31 मई से 6 जून के बीच के टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को लेकर के है डिस्ट्रिक्ट वाइज। इधर कुछ दिनों से हेल्थ मिनिस्ट्री इस तरह के डेटा रिलीज कर रही है और इसको हमने एनालाइज किया डिस्ट्रिक्ट के मैपिंग को लेकर के कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए कि 3 कैटेगरीज में कि less than 5% TPR यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो 100 में 5 लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हमने ये पाया कि 421
ये करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में टोटल 734 डिस्ट्रिक्ट्स को मैप करने के बाद कि 421 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं और मेनली जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश गुजरात जैसे प्रदेशों से हैं और उसमें ये तेज गिरावट की देखी जा रही है क्योंकि 5% टीपीआर का मतलब है बर्नआउट हो रहा है इन्फेक्शन धीरे धीरे वो कम हो जाएगा और ये एक तरह से एक्सेप्टेबल वो है कि 5 से कम होना चाहिए। हमने कैटेगरीज केवल इसलिए बनाई थी कि उसको इजिली मैप पर देखा जा सके कौन से एरिया है जहाँ पे ड्रामेटिक चेंज जिसको कहा जाए ज्यादा तेज गिरावट आई है क्योंकि 421 डिस्ट्रिक्ट यानी कि आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इंडिया के वहां पे एक तरह से सिचुएशन कंट्रोल में दिख रही है। ये वीकली एवरेज जो टेस्ट की रिपोर्टिंग है उनके बेसिस पर ये कैलकुलेशन किया गया है। अगर आप डे वाइज और नंबर्स के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 1-1 लाख का अगर हम करें तो 1 अप्रैल से लेकर के करीब 11 दिन में 1 लाख केसेस बढ़े थे। 1 से 2 लाख जो हुए थे उसको बढ़ने में करीब 11 दिन लगे थे लेकिन 2 से जो 3 लाख हुए उसमें 7 दिन और फिर 3 से 4 लाख जब डेली न्यू केसेस आ रहे थे केवल 9 दिन में पहुंच गया वहां तक। जो ड्रॉप हुआ है कि केवल 8 दिन में 1 लाख केसेस गिरे हैं यानी कि 403 हुए 3 लाख के ऊपर और आप देखिए कि 11 दिन में तकरीबन वो 3 से 2 लाख के आसपास के रेंज में आने लगे थे अराउंड 31 मई या मई के लास्ट मंथ में आप कह सकते हैं और अब जो है 1 लाख से नीचे चले गए तो ये एक सीधा इंडिकेशन है। और उसमें भी आप देखेंगे कि यूपी में सबसे जो 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी के वहां के टोटल डिस्ट्रिक्ट यूपी और बिहार के इवन 38 डिस्ट्रिक्ट जहां पे की पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिविटी रेट सरकार की रिपोर्ट के बेस पर अगर जो टेस्टिंग और न्यू केसेस देखें तो ऑलमोस्ट 5% से नीचे है और यही हालत मध्य प्रदेश गुजरात छत्तीसगढ़ पंजाब और दिल्ली जैसे स्टेट की भी है। तो एक इंडिकेशन तो जरूर है कि कोरोना का जो संक्रमण है एक तरह से जो जितने मरीज पाए जा रहे थे उसमें काफी कमी आ गई है और मेजर ड्रॉप है इसमें। दीपू आगे का प्रोजेक्शन अब क्या समझ में आता है, मतलब कब तक सेकेंड वेव पूरी तरह कमजोर होगी क्या लगता है आपको? कि अभी भी साउथ के स्टेट सपोज कि आपको बताएं कर्नाटका जहाँ पे करीब 22 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 10% से ज्यादा का टीपीआर है, ठीक उसी तरह से 27 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के हैं, 4 केरल के, 12 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के हैं जहाँ पे 10% से ज्यादा अभी भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है यानी कि हर 100 टेस्ट में 10 लोग जो है इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। तो ये अभी भी ग्रीन सिचुएशन है तो इसलिए फ्यूचर को कॉन्टेक्स्ट में अगर रख के देखा जाए तो सारा दारोमदार साउथ इंडिया पर टिकता है जाकर के क्योंकि वहां सिचुएशन अभी भी बहुत कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है जिसमें कि डाउनफॉल दिख रहा हो। ओवरऑल इंडिया का अगर नेशनल लेवल पर देखते हैं तो जरूर कुछ 80% के अराउंड जो है वो पॉपुलेशन में इसका जो एक्सपेंशन है वो एक जिस तरह से ट्रांसमिशन है वो डाउन हो रहा है लेकिन साउथ इंडिया भी एक चैलेंज बना हुआ है और इसमें ये देख के लगता है कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट जब तक कि केरल या बाकी कर्नाटक तमिलनाडु जैसे जगहों से ये खबर आने लगी कि कम से कम 10% से नीचे जो है टीपीआर चला जाए। और कुछ कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो राजस्थान के भी हैं जो अभी 10% से ऊपर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान कर दिया कि 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन होगा। उधर आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी राज्य को वहां की आबादी और कोरोना के मरीजों की संख्या के हिसाब से वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह आज़ाद होगी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे। गाइडलाइन में ये भी तय किया गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जितनी वैक्सीन बनाएंगी उसकी 25% वो प्राइवेट अस्पतालों को देंगी और प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन के दाम प्रति डोज 150 रुपये से ज़्यादा का सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। राज्य सरकार इस बात की निगरानी करेंगी कि ज़्यादा चार्ज ना लगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने फैसला भी किया कि कोई भी समर्थ व्यक्ति चाहे तो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को वैक्सीन वाउचर दान में दे सकता है। इस वाउचर के आधार पर वो व्यक्ति निजी अस्पताल में जाकर खुद को वैक्सीन लगवा ले। और आपको याद होगा कि मई में ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिसंबर तक सरकार सभी को वैक्सीनेट करवा लेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि बदली हुई रणनीति के साथ क्या ये पॉसिबल होता दिखता है? और गाइडलाइंस तो आई गई हैं लेकिन रोड मैप क्या है? तो ये जानने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। जो कल फैसला अनाउंस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस टू द नेशन के जरिए कि अब जो प्रोक्योरमेंट के राज्य सरकारों की तरफ चला गया था
वो वापस केंद्र सरकार करेगी और उसमें 75% सरकार मुहैया कराएगी केंद्र सरकार। इसके अलावा 25% वैक्सीन जो है वो जाएंगे जो देश के प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि वैक्सीन दे पाएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी ये पाबंदी लगी है कि वो सिर्फ 150 रुपए तक की सर्विस चार्ज ले पाएंगे। इधर सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि साल के एंड तक, जब तक ये दिसंबर 31 तक, करीब 187.2 करोड़ वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएंगे और लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएंगे। सरकार के हिसाब से जो एडल्ट पॉपुलेशन है इस देश की वो करीब 94-95 करोड़ है। अगर उनको दो वैक्सीनेशन देने हैं तो करीब 188-190 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेज की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार का कहना है कि ये कुल डोजेज जो हैं वो उसके लिए इंतजाम सरकार ने कर लिए हैं। अब इसमें गौरतलब बात यह है कि 23 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन लग चुके हैं। जुलाई के आखिर तक सरकार जो है वो कुल मिलाकर के 53 करोड़ वैक्सीनेशन अवेलेबल करवा देगी, जिससे कि वैक्सीनेशन का काम आगे चल सकेगा। इसमें 12 करोड़ जून में, 16 करोड़ 17 करोड़ के करीब जुलाई में, अगस्त से लेकर के दिसंबर 31 का जो समय है इसमें 133.6 करोड़ वैक्सीन जो है वो उसका सरकार ने इंतजाम किया है। और इसका इंतजाम के लिए सिर्फ यही नहीं कहा है कि वो कैसे आएंगे, उसमें सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि ये वैक्सीन किस तरह से आएंगे। और इस सरकार ने ये भी पूरी गाइडलाइन दे दी है कि किस किस कंपनी से कितने वैक्सीन आएंगे। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोविशील्ड बनाता है उससे 50 करोड़, भारत बायोटेक से 38.6 करोड़, बायो ई से 30 करोड़, कैडिला से 5 करोड़, स्पुतनिक से 10 करोड़, यानी 133.6 करोड़ वैक्सीन आएंगे। इसका एक अलग मामला एक और था कि अभी जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अलग अलग बाजार में जाकर के वैक्सीन ढूंढ रही थी, उसमें अलग अलग कीमतें कोट हो रही थी। इस नई पॉलिसी का एक फायदा जो बड़ा दिखाई दे रहा है कि जुलाई तक जो वैक्सीन आएंगे ये वैक्सीन 150 रुपए की कीमत पे आएंगे। ये एक तयशुदा अमाउंट है, कीमत है जो कि पहले से ही सरकार फिक्स कर चुकी है जो कंपनियां हैं जिनसे वैक्सीन खरीदे जाएंगे। जुलाई के बाद जो कीमतें तय होंगी वो सरकार, चूंकि केंद्र सरकार खरीद रही है तो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगी कि ज्यादा कीमत अगले आने वाले दिनों में, वो जो 133 करोड़ के करीब वैक्सीन आएंगे वो ज्यादा कीमत ना हो। अच्छा, तो ये रोडमैप कितना वर्केबल है ये बताने के लिए आज नीति आयोग में सरकार के सलाहकार डॉक्टर वीके पॉल ने भी कुछ घोषणा की है। अपनी मंशा दर्शाने के लिए कि ये रोडमैप सचमुच एक वर्केबल या क्रियान्वयन करने लायक रोडमैप है, इसको दिखाते हुए आज सरकार के जो सलाहकार हैं नीति आयोग में डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने घोषणा की है कि सरकार ने 44 करोड़ और वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड है, 19 करोड़ कोवैक्सीन है और इसके लिए 30% जो एडवांस पैसा है वो भी दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कहें कि करीब देश की 70% आबादी, या कहिए जो एडल्ट पॉपुलेशन है 18 से लेकर के ऊपर की, उसके लिए वैक्सीन का एक रोडमैप अब मूलभूत रूप से बिल्कुल साफ सामने दिखाई दे रहा है। राहुल श्रीवास्तव को आपने सुना, बता रहे थे कि रोडमैप क्या है सरकार का। वैसे वैक्सीनेशन पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है उसे एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, और इसके लिए हमने डॉक्टर सुचिन बजाज को फोन किया। डॉक्टर सुचिन जो हैं वो उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। जी, ये देखिए, जो वैक्सीन हैं वो वैसे हमारे ओपिनियन में तो बिल्कुल फ्री ही होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। बट ये एक बहुत अच्छा कदम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सारी वैक्सीन की और सबको फ्री देने की कोशिश करेंगे। 25% अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउड है, बट बाकी 75% वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के और एक यूनिफॉर्म रेट पे सारी कंपनीज से खरीद रही है। इसमें देखिए 3-4 फायदे हैं सबके लिए। एक तो ये है कि सेंट्रलाइज्ड परचेज में आप रेट्स बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि बल्क परचेज आप करेंगे तो विदेशी कंपनियां जैसे फाइजर से भी आप, जॉनसन से भी आप नेगोशिएट बेटर कर सकते हैं, जिन्होंने पहले भी, हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को देने से मना कर दी थी वैक्सीन।
तो वो बेटर दे पाएंगे। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा मेरे ख्याल से रेगुलेट कर पाएगा वैक्सीन सप्लाई, और दिखा पाएगा कि जहां जहां जरूरत ज्यादा है वहां पर वैक्सीन दी जाए। तो ये फायदे हैं मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छा एक ये कदम है, सराहनीय कदम है, और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अच्छा शुचिन, वैक्सीनेशन प्लान को कैसे चलाया जाए ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड वैक्सीनेशन में शुरू से ही एक बायस रहा मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए, शायद इसलिए क्योंकि ये बीमारी भी मिडिल क्लास और अपर क्लास लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रही थी पहले। फर्स्ट वेव में ये मोस्टली अर्बन सेंटर्स में आई, बाहर जो विदेशों में लोग गए हुए थे उनको ज्यादा अफेक्ट किया। वैक्सीनेशन ड्राइव भी कुछ डिजाइन इस तरह था, शायद गलती से था या शायद जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि निम्न आय वर्ग और रूरल पॉपुलेशंस को इसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहली बात तो ये पेड वैक्सीन्स थी, दूसरा इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्टर करना पड़ता था, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है ज्यादा डिवाइसेस की, तो उसके लिए रजिस्टर करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कई वैक्सीन सेंटर्स का शुरू शुरू में दौरा किया, मैंने कई जगह जाके देखा, सब सेंटर्स पर ज्यादातर मुझे अर्बन पॉपुलेशन, पढ़े लिखे लोग, टी शर्ट्स और जीन्स में लोग ही खड़े मिले, कोई मुझे ज्यादा दिखा नहीं जो रूरल एरिया से आया लग रहा हो या ऐसा लग रहा हो जिसकी निम्न आय वर्ग से है। तो पहली बात तो जो अब ये किया गया रिसेंटली कि वॉकिंग अलाउ किए गए कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है मेरे ख्याल से, वो एक बहुत अच्छा कदम किया गया। और दूसरा, अब ये जो अनाउंसमेंट आई है कि बिल्कुल फ्री वैक्सीन है, ये भी मेरे ख्याल से एक काफी अच्छा कदम है जो कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डेमोक्रेटाइज करने में हेल्प करेगा और अंडर एक्सेस फाइनेंशियली चैलेंज कम्युनिटीज को ये एक्सेस देने में हेल्प करेगा। और सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम और शुरू किया है मेरे ख्याल से, ईच वन पे वन का सिस्टम जो है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरों के लिए पे कर सकते हैं इस वैक्सीन के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है मेरे ख्याल से। इंडिया में फिलैंथ्रोफी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चैनल करने की शुरू से बहुत जरूरत रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो लोग पैसे दे सकते हैं उनकी पैसे लेकर के डायरेक्ट राइट वेज और राइट चैनल्स में उसको डायरेक्ट करने की मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की आज तक, तो ये अच्छी कोशिश है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरे लोगों के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए वैक्सीन खरीद सकते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके वाउचर्स इशू करेगा, पैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को उस वैक्सीन के लिए पे करेगा। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम गहलोत की रस्साकशी का देश गवाह है, लेकिन किसी तरह से संकट कांग्रेस ने मैनेज कर लिया है। अब 10 महीने हो गए, सचिन फिर खुलने लगे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने बीतने को हैं लेकिन मुझसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। पायलट ने कहा कि मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आपको याद ना हो तो याद दिला दूं कि पायलट खेमे की बगावत के बाद 11 अगस्त को पिछले साल कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल और अजय माकन की कमेटी बनाई थी। सुलह कमेटी का काम सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांगों को सुनना था, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करना था और वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपना था। रिपोर्ट पर क्या एक्शन हुआ ये किसी को अब तक नहीं पता है, और दिखने लगा है कि पायलट अपना सब्र फिर खो रहे हैं। तो हमने बात की राजस्थान के सीनियर जर्नलिस्ट त्रिभुवन से। त्रिभुवन जी, ये जो सचिन पायलट की नाराजगी है फिर से खुलकर जाहिर करने लगे हैं वो, तो ये अचानक है या फिर वो सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं? अब राजस्थान की जो राजनीति है उसमें बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, और खासकर जो राजस्थान की राजनीति है उसमें 2.5 साल पहले यह सरकार अस्तित्व में आई थी, उस समय यह उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और भूमिका कुछ और होगी। मोटे तौर पर जो सचिन पायलट समर्थक जो लोग हैं या एक जो नई उम्मीद को जो राजस्थान में देखना चाह रहे थे,
वहां कुछ इस तरह का एक बाहर जो है चर्चा थी, जो सीटों का गणित था वो उस तरह से नहीं आया और बहुत कम सीटें आई। ऐसी स्थिति बनी कि शायद के हाईकमान को ऐसा लगा कि उसमें अशोक गहलोत की भूमिका ज्यादा हो सकती है और वो एक टिकाऊ सरकार दे सकते हैं, तो इस कारण अशोक गहलोत को बनाया और ये द्वंद्व लगातार उसमें सचिन पायलट जो है पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए वो सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और दोनों के बीच में खींचतान काफी लंबी रही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में। तो ये इसके तत्काल बाद जो एपिसोड हुआ जिसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जो थे उन्होंने बगावत कर, वो लोग कांग्रेस सरकार जो है वो काफी संकट में आ गई। तो उस इस पूरी परिस्थिति में अगर एक चीज हम समझें तो वो साफ तौर पर एक बात है कि सचिन पायलट अपनी भूमिका और जो अपनी तरह की जो भूमिका बेहतरीन भूमिका है वो एक मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं और इसी कारण सबसे बड़ा असंतोष है। और अशोक गहलोत जो है वो बड़े लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में रहे हैं और उनकी अपनी पकड़ है, उनका ग्राउंड पर अपनी तरह की स्थिति है। सचिन पायलट अपनी तरह से यहाँ उन्होंने पिछले अब से दो साल पहले के जो पांच साल थे उस उन्होंने राजस्थान की कमान उन्हें सौंपी। इस पूरे प्रकरण को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखिए कि जब सचिन पायलट को संगठन की कमान दी गई उस समय अशोक गहलोत बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए, एक तरफ कर दिए गए और जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने उस दौरान सचिन पायलट धीरे धीरे साइडलाइन होते चले गए। तो ये सारी जो गलती है वो एक तरह से कांग्रेस हाईकमान की गलती है, कांग्रेस के जो प्रभारी थे उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने न तो जब सचिन पायलट को यहाँ पूरी उम्मीदों के साथ पूरे भरोसे के साथ भेजा था उस समय दोनों नेताओं के या बहुत सारे नेताओं के बीच में जो संतुलन का काम था या जो आशंका थी जिस तनाव के पैदा होने की उसे दूर करने की कोशिश की, और न ही उसके बाद जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई, उस दौरान बहुत सारी आशंकाएं थी कि दोनों के बीच में रिश्ते असहज हैं, इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने कोई परवाह नहीं की। तो आप ये देखिए कि सचिन पायलट वर्तमान भी हैं, सचिन पायलट भविष्य भी हैं, अशोक गहलोत अतीत हैं, अशोक गहलोत वर्तमान हैं। तो ये जो दोनों का जो वर्तमान है वो क्लैश कर रहा है, दोनों एक ऐसी पृष्ठभूमि में हैं जहां पर पूरा संक्रमण काल चल रहा है और संक्रमण का दौर है। अच्छा, सचिन पायलट ने क्या एक्सपेक्टेशंस रखी थी जिनके पूरा ना होने से वो नाराज हैं, आश्वासन क्या थे जो उन्हें मिले थे? देखिए, सचिन पायलट जो हैं उनको राजस्थान की जब कमान सौंपी गई, राजस्थान जब पूरी तरह से भेजा गया तो उन्हें ये कहा, एक तरह से यही संकेत थे और वो संकेत बार बार दिए गए थे कि वो भविष्य का कांग्रेस का चेहरा है। ये कहीं वैसे शब्दों में नहीं कहा गया कि वे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, प्रभावशाली नेता थे, केंद्रीय नेतृत्व था, उनको बिल्कुल इसी तरह से देखा गया कि वो कांग्रेस आने वाली अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उसमें बहुत चांसेस जो हैं वो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के हैं। और उनकी जो अपेक्षा है या उनकी जो उम्मीद है कांग्रेस से वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने की है, उससे कुछ कम बनने की नहीं है, क्योंकि अगर उससे बात होता तो वो उप मुख्यमंत्री तो थे ही पार्टी में। और ये साफ तौर पर अगर आप ये देखें तो ये राजस्थान जैसा प्रदेश जहां कांग्रेस एक अच्छी विपक्षी पार्टी रही, जहाँ कांग्रेस एक सत्ता में आई, उस पार्टी को एक तरह से जो खराब हालात में जो धकेला है वो केंद्रीय नेतृत्व है, जो बहुत बुरी तरह से इसको मतलब जो है वो इग्नोर कर रहा है या इसको नकार रहा है। अच्छा त्रिभुवन जी, पिछले साल की घटना के बाद ये जो कुछ महीने बीते हैं तो उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखाई दी? मतलब आपस में भी मिलते होंगे, तो आप लोगों ने वहां क्या पाया इन दोनों के बीच? देखिए, बॉडी लैंग्वेज की तरफ हम तब ध्यान देते हैं जब बहुत ही पर्दे के पीछे कुछ चीजें कही जाएं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं है। यहाँ सबकी बॉडी लैंग्वेज से अधिक जो भाषा है वो सब बताती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब सचिन पायलट बगावत करके गए तो उस समय जो भाषा इस्तेमाल की गई वो बहुत कुछ बताती है, और सचिन पायलट ने जो एक्शन लिया उनका वो एक्शन उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ज्यादा भारी है कि उनकी नाराजगी का स्तर क्या है। लेकिन कई बार ये होता है या भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए
तो उसे भूला नहीं कहते। तो लेकिन इस भूले के लौट आने के बाद में जो परिस्थिति रही है या जिस तरह के हालात रहे हैं आप उसमें अगर देखेंगे तो ये है कि जिन प्रभारी महोदय को ये काम सौंपा गया था, जिस समिति को ये काम सौंपा गया था, उन्होंने जो है ये काम पूरी जिम्मेदारी से, कर्तव्य निष्ठा से नहीं किया और उसका ये नतीजा है कि एक बार परिस्थितियां फिर वैसी की वैसी आ गई हैं और कांग्रेस में कलह का एक नया दौर शुरू हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के ज्वाइंट क्वालिफायर्स में कल भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने शानदार प्रदर्शन किया, 2 गोल दागे और बांग्लादेश को भारत ने 2-0 से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज कर ली है और छेत्री के इंटरनेशनल गोल्स की संख्या अब 74 हो गई है। इस मामले में वो अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी से आगे निकल गए जिनके 72 गोल हैं। अब छेत्री से आगे कौन है? एक्टिव खिलाड़ियों में तो केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और अगर पूर्व खिलाड़ियों को भी मिला लें तो उनका नंबर 4th है, क्योंकि ईरान के पूर्व खिलाड़ी अली डेई 149 मैचों में 109 गोल के साथ टॉप पर हैं। फिर रोनाल्डो हैं 174 मैच में 103 गोल, फिर ब्राज़ीलियन फुटबॉलर पेले 77 गोल। तो दोहा में खेले जा रहे एशियन क्वालिफायर्स में सुनील के प्रदर्शन और उनके इस रिकॉर्ड पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले उनके और उनके फुटबॉल करियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द लल्लन टॉप में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सूरज पांडे, उनसे। जब छेत्री की बात आए तो मैं एक फैन होना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी दिल्ली में ही रहता हूँ और दिल्ली से उनका करियर शुरू हुआ था। सुनील छेत्री का सिकंदराबाद में पैदा हुए थे, इनकी माताजी नेपाल की फुटबॉल टीम से खेल चुकी हैं और बहन भी खेली है, लेकिन इनका जो करियर शुरू हुआ वो सिटी फुटबॉल क्लब करके एक क्लब था दिल्ली में, वहां से शुरू हुआ और फिर उन्होंने मोहन बागान, JCT, ईस्ट बंगाल टेम्पो, मतलब इंडिया के जो बड़े क्लब्स हैं किसी का भी नाम ले लो हर जगह से ये खेले हैं। इन्होंने कैंसस सिटी बेजार्ड करके एक अमेरिका क्लब है उसके लिए भी मैच खेला है और ये बीच में स्पोर्टिंग CP जहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकले हैं वहां की बी टीम जो थी वहां के लिए भी ये खेले हैं और फिर इंडिया के तमाम बड़े क्लबों के लिए खेलते हुए आजकल ये बेंगलुरु FC के लिए खेलते हैं, उसके कैप्टन भी हैं, कभी विंग पे खेलते हैं कभी स्ट्राइकर खेलते हैं और इनका करियर बेहद कमाल कर रहा है। उन्होंने सैकड़ों गोल किए हैं अपनी टीमों के लिए, नेशनल देखें या क्लब देखें, तमाम टीमों के लिए बहुत सारे गोल्स किए हैं और इनकी जो उपस्थिति होती है मैदान में वही बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उनको प्रेरित करती है, चाहे वो युवा हों या सीनियर हों। जब उनके साथ सुनील छेत्री खेल रहा होता है जो कि अगर एक्टिव गोल स्कोरर्स की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरा नंबर आपके सुनील छेत्री का आता है, ऐसा बंदा अगर खेल रहा है आपके साथ तो बहुत सारा आपको प्रेरणा मिलती है आपको। इन्होंने बीती रात जो भी किया कमाल का प्रदर्शन, बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल मारे और भारत को जिताया, तो ओवरऑल इनका जो करियर है वो मुझे लगता है कि ड्रीम करियर जो इंडियन फुटबॉलर का हो सकता है भारत में पैदा हुए फुटबॉलर का वो होता है सुनील छेत्री का करियर। और इनकी ओवरऑल उपलब्धियां जितनी हैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। अच्छा सूरज, फीफा 2022 के लिए तो भारत पहली बार हो चुका है, लेकिन एशियन क्वालिफायर्स के इस टूर्नामेंट में सुनील छेत्री के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं और ये उपलब्धि फुटबॉल के क्षेत्र में क्या मायने रखती है? बताना चाहूंगा कि AFC एशियन कप जो होता है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का जो ये अपना रीजनल टूर्नामेंट होता है, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं, बीच बीच में काफी लंबे गैप्स रहे हैं जब हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन पिछला एडिशन हमने खेला था, थाईलैंड को हमने काफी अच्छे अंतर से परास्त किया था और उसके बाद हालांकि हम बहुत आगे नहीं जा पाए, ग्रुप स्टेज में ही रह गए, लेकिन इस बार अगर हम दोबारा क्वालिफाई कर पाते हैं थोड़े से प्लस माइनस चांसेस हैं कि हम कर पाएंगे और उसमें बड़ा रोल सुनील छेत्री का है क्योंकि सुनील छेत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम मोमेंट्स में जो 2 कमाल के गोल मारे उसकी वजह से हमारे पास जो अपर हैंड जिसे कहते हैं वो है और इसमें सुनील छेत्री का काफी बड़ा रोल है क्योंकि 37 साल के हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद भी अगर गोल करना हो हमें फुटबॉल के मैचों में, तमाम तरह के मैच होते हैं लेकिन उनमें अगर हमको एक गोल स्कोरिंग एबिलिटी चाहिए, अगर हमको अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी चाहिए तो हमारी उम्मीदें आज भी 37 साल के सुनील छेत्री पर टिकती हैं और सुनील छेत्री हर बार ऑलमोस्ट 100 में से 90 बार उन अपेक्षाओं पर हमेशा खरे उतरते हैं और ऐसा इन्होंने बीती रात किया, बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल मारे और हमको अपर हैंड मिला। अगर हम एक मैच और अपना जीत गए तो AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और हम अपने फुटबॉल टीम की जब भी बात करें तो शुरुआत में 1952 में हमने खेला था ओलंपिक और उसके बाद हम
एकाध और ओलंपिक खेले, लेकिन लगातार हमारी फुटबॉल का लेवल गिरा है। ऐसे में इस ये इकलौता आदमी है, इकलौता इंसान है, इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसने हमें इंटरनेशनल मुकाबलों में लगातार बरकरार रखा है अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी के जरिए, और ये काफी बड़ी उपलब्धि हो जाती है क्योंकि आप देखते हैं कि फुटबॉल चूंकि 200 से ज्यादा देश खेलते हैं, काफी बड़ा गेम है, इंटरनेशनल गेम है, और इसमें अगर हम लगातार एक चैलेंजिंग फोर्स बने हुए हैं तो इसमें पूरा श्रेय गुरप्रीत सिंह संधू के अलावा सुनील छेत्री को जाता है। तो वक्त है विदा लेने का। आप कुछ कहना सुनना चाहें तो मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है अमन गुप्ता ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो।